थ्योरी ऑफ मशीन में वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल ड्राइव। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेल ड्राइव का वेलोसिटी रेशियो। इसमें हम वेलोसिटी रेशियो दो कंडीशन में पढ़ेंगे, एक सिंपल बेल ड्राइव में और एक पढ़ेंगे कंपाउंड बेल ड्राइव में। दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे वेलोसिटी रेशियो बेल ड्राइव में क्या होता है। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, इट इज द रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द ड्राइवर एंड द फॉलोवर आर ड्रिवन। वेलोसिटी रेशियो हम उसको बोलते हैं जिसमें वेलोसिटी का रेशियो हो, अनुपात हो ड्राइवर और ड्रिवन का। ड्राइवर होता है, ड्रिवन होता है, जिसको हम फॉलोवर ही बोलते हैं। दोनों की वेलोसिटी का अनुपात हो उसी को ही हम वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। वेलोसिटी रेशियो को हम हिंदी में वेगानुपाती बोलते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि बेल ड्राइव में वेलोसिटी रेशियो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे सिंपल बेल ड्राइव के लिए। तो आइए देखते हैं सिंपल बेल ड्राइव के लिए कैसे हम वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये है सिंपल बेल ड्राइव। सिंपल बेल ड्राइव में हम इसमें पढ़ रहे हैं वेलोसिटी रेशियो। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे सिंपल बेल ड्राइव में वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए हमारे पास दो इसमें पुल्ली होती हैं। एक पुल्ली होती है लार्ज, एक पुल्ली होती है स्मॉल। लार्ज पुल्ली जो होती है उसको हम बोलेंगे ड्राइवर, और स्मॉल पुल्ली होगी वो रहेगी ड्राइवन। ड्राइवर और ड्रमन पुल्ली होती है, एक वन पुल्ली होती है, एक टू पुल्ली होती है। फर्स्ट वाली वो वन है, सेकंड वाली वो टू है, सेकंड वाली पुल्ली है। इसमें हमारे पास इसको हम इससे जानेंगे कि इसका जो हमारे पास डायमीटर होता है फर्स्ट पुल्ली का वो होता है डी वन। इसका डायमीटर रहेगा वो डी वन रहेगा, स्पीड रहेगी एन वन। इसका अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर डी वन रहेगा, स्पीड रहेगी एन वन फर्स्ट पुल्ली की। और इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी वी वन। वी वन वेलोसिटी रहेगी, डी वन डायमीटर रहेगा, एन वन स्पीड रहेगी। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पुल्ली की बात करें तो सेकेंड पुल्ली में भी हमारे पास इस टाइप से रहेगा। इसकी जो वेलोसिटी रहेगा वो वी टू रहेगी और स्पीड रहेगी एन टू रहेगी और डायमीटर इसकी डी टू रहेगी। तो हमारे पास जो चीज़ें आती हैं इसमें, हमारे पास इसमें ये चीज़ आती है कि भाई आपके पास पहली पुल्ली है, पहली पुल्ली में हम डायमीटर स्पीड और वेलोसिटी लेते हैं। तो फर्स्ट पुल्ली की जो हमारे पास डायमीटर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट पुल्ली का वन डायमीटर रहेगा, स्पीड एन वन रहेगा और वेलोसिटी वी वन रहेगी। इसी टाइप से सेकंड जो हमारे पास पुल्ली है उसमें स्पीड हमारे पास एन टू रहेगी, डायमीटर डी टू रहेगा और वेलोसिटी वी टू रहेगा। अच्छा, इसमें सिंपल बेल्ट ड्राइव में एक खासियत और होती है, इसका जो ऊपर टॉप का हिस्सा होता है वो सिलेक्ट साइड होता है, का ढीला होता है, और ये जो हिस्सा होता है वो टाइट साइड होता है। ये जो डायग्राम बना हुआ है वो सिंपल बेल ड्राइव का है जिसे हम इसमें वेलोसिटी रेशियो के लिए बना रहे हैं, जो कि वी बी जो होता है उसके बराबर होता है। वी बी इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो का फर्स्ट पुल्ली और इसी के हिसाब से सेकंड पुल्ली, दोनों पुल्ली का बराबर होता है। तो जो फर्स्ट पुल्ली का हमारे पास वेलोसिटी बन रहा है वो वेलोसिटी बन रहा है हमारे पास इस टाइप से। जैसे हम इसमें रोटेट करेंगे तो ये सब वेलोसिटी बनेगा और इसका हमारे पास इस टाइप से वेलोसिटी। एरो इसमें जो दिया हुआ है आपको ये वेलोसिटी का दिया है, ये वी वन से किया हुआ, ये वी टू से किया हुआ। इसको एक बार और देख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पुल्ली है, फर्स्ट पुल्ली का जो डायमीटर है वो डी वन है, स्पीड जो एन वन है और वेलोसिटी वी वन है। सेकंड सिमिलरली इसकी स्पीड सेकंड वाली की एन टू है, डायमीटर डी टू है और वेलोसिटी वी टू है। और इसमें क्या होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है ये सिलेक्ट साइड होता है और ये वाला होता है टाइट साइड होता है। ये इसका डायग्राम हो जाता है वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल बेल्ट ड्राइव। अब इसमें हम क्या जानेंगे कि लेंथ ऑफ, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है वो ये है, लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट पासेज ओवर द ड्राइवर इन वन मिनट। एक मिनट में जो बेल्ट की लंबाई, जो लेंथ पासेज हो रही है ड्राइवर पे वो क्या हो रही है, उसका हमारे पास हो जाएगा वी बी इक्वल टू पाई डी एन। तो हमारे पास आपको फार्मूला हो जाएगा पाई डी एन। तो हमारे पास पाई डी एन होता है तो हमारा वन 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 कंडीशन में तो डायमीटर वन रहेगा और स्पीड भी वन रहेगी। तो फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट पुल्ली के लिए वी बी इक्वल टू पाई डी वन एन वन, ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम वन मिनट के लिए फॉलोवर के लिए देते हैं ये तो इसके लिए हो गया। अब अगर सेकंड इसके लिए करेंगे तो सेकंड के लिए हमारे पास ये वाला हो जाएगा, लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट पासेज ओवर द फॉलोवर इन वन मिनट। वन मिनट में हमारे पास इसमें स्पीड होगा तो वी बी इक्वल टू ये हो जाएगा पाई डी टू एन टू। एक इक्वेशन हमारे पास बन गई ये वाली वी बी इक्वल टू पाई डी वन एन वन, एक बन गई ये वी बी इक्वल टू पाई डी टू एन टू। अब क्या करेंगे, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। दोनों जो हमारे पास पुल्ली हैं दोनों पुल्ली को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी बी इक्वल टू पाई डी वन एन वन इक्वल टू पाई डी टू एन टू। तो इसमें क्या होगा, पाई से पाई हम इसको कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल करेंगे तो हमारे पास डी वन एन वन इक्वल टू डी टू एन टू आ जाएगा।
इसमें हम क्या करेंगे, स्पीड को हम से अलग सेपरेट कर देंगे और डायमीटर को अलग सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास पहले फार्मूला बन जाएगा वेलोसिटी रेशियो का, जिसको हम VR से नोट करेंगे, बन जाएगा स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर, स्पीड ऑफ ड्रिवन हो जाएगा अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर। तो हमारे पास N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2 हो जाएगा। हमारे पास जो D1 डायमीटर है तो हमारे पास ये आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा N2 अपॉन N1 इक्वल टू डायमीटर हो जाएगा D1 अपॉन D2। ये हमारे पास फार्मूला, इसका जो मेन वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला हो जाएगा वो ये फार्मूला हो जाएगा N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2। अगर हम इसमें बेल्ट की थिकनेस कंसिडर कर रहे हैं, अगर बेल्ट की मोटाई इसमें कंसिडर कर रहे हैं, वेन बेल्ट थिकनेस ऑफ द बेल्ट TH गिवन ड्राइवर कंसिडर, अगर इसमें थिकनेस कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डायमीटर है इसमें हम लोग थिकनेस को जोड़ देते हैं, तो फार्मूला हमारे पास बन जाता है वेलोसिटी रेशियो का, ये वाला फार्मूला बन जाएगा, VR इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 प्लस T अपॉन D2 प्लस T। ये फार्मूला बन जाएगा वेलोसिटी रेशियो के लिए। तो ये जो हमारे पास फार्मूला होता है वो सिंपल बेल्ट ड्राइव के लिए वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है। अगर आपको वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला लगाना है तो सिंपल बेल्ट ड्राइव के लिए बिना अगर नेगलेक्ट थिकनेस है तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2। और अगर थिकनेस कंसिडर कर रहे हैं साथ में, तो हमारे पास ये फार्मूला रहेगा, VR इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 प्लस T अपॉन D2 प्लस T। थिकनेस को डायमीटर में जोड़ देना, तो हमारे पास ये जो बन जाएगा वेलोसिटी रेशियो। इससे हम वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, जब क्योंकि आपको इसमें मालूम है, इसमें अगर हम देखें तो जहां पर N2 है स्पीड ऑफ ड्रिवन इसकी स्पीड है, और N1 है इसकी स्पीड है ड्राइवर की स्पीड फर्स्ट पुल्ली का, D1 जो है डायमीटर इसका डायमीटर है, और D2 जो है इसका डायमीटर है, और थिकनेस है बेल्ट की मोटाई, तो बेल्ट की जो थिकनेस है वो हमारे पास थिकनेस रहेगी, T हमारे पास रहेगा थिकनेस ऑफ बेल्ट। इस टाइप से हम इसमें पढ़ेंगे वेलोसिटी रेशियो निकालना, इस सिंपल। अब हम इसमें पढ़ेंगे कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए, कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए आता है वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास पहली बात तो हम ये जानते हैं कि कंपाउंड बेल्ट ड्राइव क्या होता है। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव वो होता है जिसमें हम दो से ज्यादा पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा जब पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं तो वो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव में कन्वर्ट होता है, जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा। इसमें क्या है, हमारे पास एक फर्स्ट पुल्ली है, सेकेंड पुल्ली, दोनों का बेल्ट अटैच है, ये एक बन गया बेल्ट ड्राइव हो गया। एक हमारे पास इसी शाफ्ट में एक हमारे पास थर्ड पुल्ली है और एक फोर्थ पुल्ली है, उसमें बेल्ट को अटैच किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास लार्ज स्पीड के लिए हमको बेल्ट करने के लिए हम कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का डायग्राम है। ये फर्स्ट पुल्ली है, ये सेकेंड पुल्ली है, ये वाली थर्ड पुल्ली है, और ये फोर्थ पुल्ली है। चार पुल्ली का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, आपको इसमें डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें हमारे पास जो शाफ्ट बनी हुई है, शाफ्ट भी ये हमारे पास ये है, ये हमारे फर्स्ट पुल्ली के लिए शाफ्ट है, ये सेकंड और थर्ड पुल्ली के लिए शाफ्ट है, और ये फोर्थ पुल्ली के लिए शाफ्ट है। और अगर इसको आप टॉप से देखोगे तो टॉप से इस टाइप से ये दिखेगा कि फर्स्ट पुल्ली, सेकंड पुल्ली, थर्ड पुल्ली और फोर्थ पुल्ली, इसी टाइप से इसमें फर्स्ट पुल्ली, सेकेंड पुल्ली, थर्ड पुल्ली और फोर्थ पुल्ली। तो ये हमारे पास जो डायग्राम बना हुआ है ये बना है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव का। इसके लिए हम निकालेंगे वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे किसके लिए, वन और टू पुल्ली के लिए, फर्स्ट और सेकंड दो पुल्ली के लिए हम जो वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, तो आपको मालूम है वेलोसिटी रेशियो का जो फार्मूला होता है, सेकंड वाले की स्पीड अपॉन फर्स्ट वाले की स्पीड इक्वल टू फर्स्ट वाले का डायमीटर अपॉन सेकंड वाले का डायमीटर। तो हम इसमें लगाएंगे फार्मूला ये वाला, VR1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू D1 अपॉन D2। ये हमारे पास फर्स्ट पुल्ली के लिए, फर्स्ट के लिए हम लगाएंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट बेल्ट ड्राइव जो है उसके लिए हम वेलोसिटी रेशियो का लगाया, तो हमारे पास ये चीज आ गया। इसके बाद हम जब सेकंड टर्म के लिए लगाएंगे, मतलब थर्ड और फोर्थ के लिए लगाएंगे, तो ये लगेगा वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला थर्ड और फोर्थ के लिए, VR2 इक्वल टू N4 अपॉन N3 इक्वल टू N3 अपॉन D4, D3 अपॉन D4। इसमें आपको मालूम है फोर्थ वाले की स्पीड आएगी अपॉन थर्ड वाले की स्पीड आएगी इक्वल टू थर्ड वाले की डायमीटर अपॉन ये। तो हमारे पास जो सेकंड वाला आएगा ये लग जाएगा VR इक्वल टू N4 अपॉन N1 इक्वल टू D3 अपॉन D2 D4। ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, कंबाइनिंग अबोव बोथ इक्वेशंस भी गिव, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई में लाएंगे, दोनों इक्वेशन को हमने इस टाइप से मल्टीप्लाई में रखा। तो मल्टीप्लाई में जब हमने इसको रखा तो VR1 × VR2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, स्पीड से स्पीड को मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा N2 × N4 अपॉन N1 × N3 ये आ जाएगा।
और डायमीटर का अलग हो जाएगा। तो डायमीटर क्या आ जाएगा, डी वन इंटू डी थ्री अपॉन डी टू इंटू डी फोर। तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। एक चीज आपको मालूम होगा, ये जो हमारे पास है एक ही शाफ्ट में अटैच है, सेकेंड और थर्ड। जो सेकेंड हमारे पास जो तो डायमीटर रहेगा वो हमारे पास अलग अलग रहेगा, लेकिन स्पीड जो रहेगी दोनों की एक जैसी स्पीड रहेगी, क्योंकि एक ही शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास जिस स्पीड से हमको ये शाफ्ट जो घूम सेकेंड पुली घूमेगी उसी टाइप से थर्ड स्पीड से घूमेगी, थर्ड भी पुली भी उसी स्पीड से घूमेगी। तो इनकी स्पीड दोनों की कॉमन होगी, इसलिए हमारे पास दोनों स्पीड को हम इसमें नेगलेक्ट कर देते हैं। इसको नेगलेक्ट कर दे तो आ जाता है एन फोर अपॉन एन वन आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर स्पीड को नेगलेक्ट कर दे तो यहाँ पर फार्मूला ये आ जाएगा, वी आर इक्वल टू वी आर इंटू वी टू इक्वल टू एन फोर अपॉन एन वन इक्वल टू डी वन इंटू डी थ्री अपॉन डी टू इंटू डी फोर। ये हमारे पास डायमीटर जो कितना रहेगा, बाकी हमारे पास स्पीड इसमें एन टू और एन थ्री को हम इसमें हटा देंगे, इसमें एन थ्री टू हट जाएगा और एन थ्री हट जाएगा, तो एन फोर एन वन बचेगा। तो हमारे पास वेलोसिटी रेशियो का जो फार्मूला बन जाएगा, तो फार्मूला रहेगा हमारे पास ये वाला, एन फोर अपॉन एन वन इक्वल टू डी वन इंटू डी थ्री अपॉन डी टू इंटू डी फोर। ये फार्मूला जो रहेगा वो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला रहेगा, वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला। अगर इसको हम इसमें देखा जाए तो इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले में हमारे पास जो दिया है कोई इस टाइप से दिया हुआ है, फिर स्पीड ऑफ लास्ट फॉलोवर अपॉन स्पीड ऑफ फर्स्ट फॉलोवर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्राइवर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ फॉलोवर। ये फार्मूला हमारे पास इससे समझ सकते हैं। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है ये वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए। तो हमने इसमें जो पढ़ा है सिंपल बेल्ट ड्राइव और कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए वेलोसिटी रेशियो निकालना बताया हुआ है। ये हमारे पास कंप्लीट होता है वेलोसिटी रेशियो का।